हापुड़ नगर पालिका परिषद के परिसर में विकास कार्यों की मांग को लेकर और भेदभाव के आरोपों के साथ सभासद बुधवार दूसरे दिन भी धरने पर बैठे। हालांकि अधिशासी अधिकारी सौरभ नाथ ने सभासदों को समझाया और आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के भीतर वह वर्क ऑर्डर जारी करेंगे जिससे विकास कार्य को गति मिलेगी। साथ ही वह गुरुवार को अध्यक्ष पुष्पा देवी के साथ मुलाकात कर विकास कार्य को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इन्होंने इसी के साथ सभी से अपील की कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और विकास कार्य ना रुके। मंगलवार को नगरपालिका परिषद हापुड़ के परिसर में सभासद अध्यक्ष पुष्पा देवी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी सभासदों ने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया जा रहा, वार्डों में रहने वाले लोगों को परेशानी होती है, टेंडर को बार बार निरस्त किया जा रहा है। सभासदों ने मांग की कि टेंडर को बार बार निरस्त करने का खेल खत्म हो, पथ प्रकाश पानी की व्यवस्था ठीक हो और वार्डों में मरम्मत कार्य नवनिर्माण कार्य किए जाएं। अपनी मांगों को लेकर बुधवार को भी सभासद धरने पर बैठे। हालांकि अधिशासी अधिकारी सौरभ नाथ ने सभासदों को समझाया और कहा कि सफाई व्यवस्था निरंतर प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्रवासी भी आगे आए। इसी के साथ एक हफ्ते के भीतर वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे जिससे विकास कार्य को गति मिलेगी। वह चेयरमैन से मुलाकात कर अपनी बात भी रख सकते हैं। इंस्पेक्शन करता रहता हूँ और अगर वहाँ पे संबंधित ठेकेदार या जो भी समुदाय कर्मचारी है जिसके अंदर मैट लगे हुए हैं नहीं पाए जाते हैं तो उनका एब्सेंट मार्क होता है और उनको चेतावनी दी जाती है कि वो ड्रेस में प्लस जो अटेंडेंस है वो मेंटेन रखे। अगर नहीं होता है तो उनकी सैलरी काटी जाती है। और सफाई व्यवस्था का जहाँ पर सवाल है, हम ट्राई करते हैं कि सफाई दुरुस्त रखें, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हमें निरंतर सफाई करनी चाहिए और ये टू वे प्रोसेस भी जिसमें हमें सिटीजन्स के थ्रू भी हेल्प चाहिए होगी। ये पालिका स्तर से हम लगातार एक आह्वान करते रहे कि सिटीजन्स भी इसमें हमें हेल्प करें आगे बढ़कर आए। तो ये एक टू वे प्रोसेस है और हम अपने तरफ से हमेशा सजग रहते हैं कि हम पालिका की सफाई व्यवस्था को मेंटेन रखें। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि चेयरमैन मैम से जो आपका चल रहा है कि वो कल से नहीं आ रही, उन्होंने बताया कि अभी उनका कुछ पारिवारिक था, तो आप कल उनके साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हो। जो भी आपके इशू हैं, जो भी आपका ट्रांसपेरेंसी को लेके इशू है कि मुझे आया नहीं का वगैरह जो बनाने की चीज़, आप उनके साथ डिस्कस करो बैठ के। प्राथमिकता के जो कार्य हैं जो पालिका स्तर से होने हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर मैं ये बोल रहा हूँ कि विद इन अ वीक हम वर्क ऑर्डर जारी करने वाले हैं काफ़ी कामों के। और आपके जो ओथ हैं जो आप लेकर आए हो कि मैं काम कराने के लिए आया, आप उसको सजग करोगे, आप उसको रखोगे साथ में। मैं ऐसा लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है, आप एक बार उनसे डिस्कस कर लो, जो भी इशू है उनसे रिजॉल्व करने का आप ट्राई करें, बट जो डेवलपमेंटल काम है वो रुकने नहीं चाहिए। आप यहाँ पे बैठे हो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, बट इसको आप मैच्योरली सॉल्व करो, आई वुड सजेस्ट दैट।